कभी एक पेशेंट क्लिनिक में जाते हैं तो वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे क्लिनिक के फैसिलिटीज और इक्विपमेंट? जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आइदर किसी ने रिकमेंड किया हो या सोशल मीडिया में पढ़ा हो या मैगजीन न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, ये दो अलग चीज़ें हैं। जब कोई किसी को रिकमेंड करता है तो उन लोग कहता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये डेंटिस्ट अच्छा है, उनका काम अच्छा है, क्लिनिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जब आप एडवर्टाइजमेंट से जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि क्लिनिक कैसा है, डॉक्टर कैसे है, क्या है, ये दो अलग चीज़ है। जब रिकमेंड करते हैं तो आपको पता ही होता है, तो आप पॉजिटिव माइंड से जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो हमें पता आपको पता चलता है कि क्लिनिक कैसा है। जैसे कि आप मारुति कार लेने जाए, आपका बजट है मारुति कार का, आप मर्सिडीज शोरूम में जाए तो आपको पता चलेगा, आप बोल नहीं सकते कि मर्सिडीज महंगी है, क्योंकि मारुति के जो चार्जेस है, मारुति का जो जिस भाव में मारुति मिलती है, मर्सिडीज बहुत महंगी मिलती है। जैसे उनके लग्जरीज होते हैं, उनके जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो अलग चीज़ होती है। वैसे क्लिनिक के होते हैं कि क्लिनिक के एम्बियंस, क्लिनिक के इक्विपमेंट मटेरियल, और हम जो डेंटिस्ट है वो हमेशा पेशेंट को बताते हैं कि क्लिनिक में क्या है, मटेरियल कहाँ से लाया है, इक्विपमेंट कहाँ से लाया है, बातों बातों में बता देते हैं। और ये बताना जरूरी है, आपको मालूम होना भी जरूरी है, क्योंकि आपके मुंह में क्या जा रहा है, कौन सा इक्विपमेंट जा रहा है, उससे आपको और बड़ी तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। जे डेंटिस्ट के पास जाते हमेशा एक होता है कि दर्द होने वाला है, तो कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि आपको काम करते करते दर्द नहीं होता है, तो ये सब जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट मटेरियल जो आपके मुंह में इस्तेमाल करते हैं वो डेंटिस्ट, हमारे जैसे डेंटिस्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि आप दूसरा उदाहरण दे सकता हो कि जैसे चाय पीना है, आप ढाबे में जाके चाय पीते हैं और फाइव स्टार में जाके चाय पीते हैं, वो अलग चीज़ है, भाव भी अलग है, 50 रुपये से 500 रुपये। लेकिन अब जब फाइव स्टार में जाते हैं तो सर्विस देते हैं, एम्बियंस अच्छा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इंश्योरेंस होता है कि आपको समझो पसंद नहीं आए तो वापस करके देते हैं। सिमिलरली वैसे ही जो क्लिनिक में, अच्छे क्लिनिक में इंश्योरेंस जैसे, जब काम पसंद नहीं आए तो वापस करते हैं जब तक आपको पसंद आए। तो पेशेंट को राइट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके मुंह में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेंटिस्ट को पूछना भी आपका राइट है, और वो हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कौन सा डेंटिस्ट सही चार्ज कर रहा है और कौन सा डेंटिस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ज़रा ख्याल रखना, जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, जो के आर्टिकल के नीचे लिखा होता है ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा, वो एडवर्टाइजमेंट होता है, और जो आर्टिकल के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है वो एक्सपर्ट्स कमेंट होते हैं। सो एक्सपर्ट्स कमेंट, पेड कमेंट्स अलग होते हैं, अनपेड कमेंट्स अलग होते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली चार्जेस ऑल्सो डिपेंड ऑन मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो आप खर्चा करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो वो लोग जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके चार्जेस आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं, जो इक्विपमेंट मटेरियल के हिसाब से नहीं होता है वो मार्केटिंग का हिसाब से ज़्यादा होता है। तो आपको ये दोनों ख्याल रखना चाहिए कि आपका डेंटिस्ट आपको क्या ट्रीटमेंट प्लान दे रहा है और क्या चार्ज कर रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे डेंटल हेल्थ केयर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लिव नाउ लिव हेल्दी, सिर्फ सुश्रुता के साथ। आपके सवालों के जवाब डॉक्टर संदेश मयेकर से पाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9082840958, या आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पर info@sushruta.co।